सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते अज आपां तुहाडे लई टैसट नंबर 36 दा दूजा पाठ लै के आए हाँ। ते करदे हां जी स्टार्ट बिना किसी देरी तो। ते लास्ट क्वेश्चन आपां खत्म कीता सीगा, इफ यू हैव एन एक्सीडेंट एंड यू आर नॉट वीरिंग अ सीट बेल्ट दे उपर जी। ते अज दा टैसट स्टार्ट करदे हां 16 नंबर तो। वट इज़ द मैक्सीमम परमिटेड ब्लड अलकोहल काउंट, कि की वध तो वध तुहानूं आग्या हैगी है खून दे विच जिहड़ा अलकोहल दा काउंट हुंदा वा, गिनती हुंदी है फॉर ड्राइवर्स, ड्राइवर्स दे लई इन जनरल आम तौर ते। ठीक है जी, ऑप्शन है जी 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, बी हैगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर अगेन, ते सी हैगा 0.5 ग्राम पर लीटर। ते इहदा आंसर है जी साडे कोल ऑप्शन सी जी, के 0.5 ग्राम का जिहड़ा पर लीटर का लैवल हैगा वा, काउंट हैगा वा अलकोहल का, तुहाडे ब्लड विच इन जनरल होना चाहिए, इस तो ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, तो इस करके तो साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल, कैन कारगो इन द ट्रंक ऑफ अ पसेंजर कार। कारगो की हुंदा है, सामान जिहड़ा गड्डी विच रखदे आ, इन द ट्रंक जिहड़ा कि एक ट्रंक मतलब डिग्गी दे विच पिया हैगा, एक पसेंजर कार मतलब नॉर्मल कार दे विच, ओवरहैंग ऑन द साइड, कि वह ओवरहैंग कर सकता वा मतलब बाहर निकल सकता साइडां तो। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा यस व्हेन द कारगो इज़ वाइड एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, बी हैगा यस बट द टोटल विड्थ शुड बी लैस दैन 2.5 मीटर्स, ते सी हैगा नो। तो इहदा आंसर है जी साडे कोल ऑप्शन सी जी, कि नहीं जिहड़ा कारगो हैगा वा एक नॉर्मल कार तो साइडां तो बाहर नूं नहीं निकल सकता हैगा जिहड़ा ट्रंक दे विचों। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल 18 नंबर, वट इज़ वन ऑफ द रीज़न, कि एक कारण हैगा वा वाई नो वॉइस ड्राइवर्स, कि क्यों नो वॉइस ड्राइवर मतलब नवें ड्राइवर हैव ट्रैफिक एक्सीडेंट, के नवें ड्राइवर के ट्रैफिक एक्सीडेंट होंगे आ। ऑप्शन ए कहता हायर रिस्क परसैप्शन, बी हैगा फेलियर टू ऑबजर्व ट्रैफिक रूल्स, तो सी हैगा लैक ऑफ रिफलैक्सिज। तो यह आंसर है जी साडे कोल ऑप्शन बी जी, के फेलियर टू ऑबजर्व ट्रैफिक रूल, के मतलब असफल होंगे है ऑबजर्व करन दे विच, आइडिया लगाउन दे विच, ध्यान च रखन दे विच ट्रैफिक रूल नू, एक ये बहुत वड्डा कारण हैगा नवें ड्राइवरां दे ट्रैफिक एक्सीडेंट होण दा, उन्हां दीआं दुर्घटनावां होण दा। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन बी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल 19 नंबर, आ व्हीकल्स अलाउड टू मेक यूज़ ऑफ अकोस्टिक वार्निंग, कि व्हीकल्स नूं आग्या हैगी है यूज़ करन दी वरतन दी अकोस्टिक वार्निंग मतलब सिग्नल हॉर्न विद इन सिटी लिमिट्स, सिटी लिमिट दे विच मतलब कि शहर दे अंदर। ऑप्शन हैगा यस अनलैस देर इज़ अ साइन दैट फॉरबिड्स इट, बी हैगा ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस सच एज टू अवॉइड अ पॉसिबल एक्सीडेंट, दिस इज यस इन ऑर्डर टू वार्न द ड्राइवर ऑफ अनदर व्हीकल दैट यू इंटेंड टू ओवरटेक। तो यह आंसर है जी साडे कोल ऑप्शन बी जी, के असी हॉर्न वरत सकते हैं लेकिन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस मतलब कि कुछ खास मौक़ों पर, कुछ चुनिंदा मौक़ों के उपर ही, सच एज जिमें कि टू अवॉइड अ पॉसिबल एक्सीडेंट, जिमें कि बचन तो बचन दे लई एक संभव एक्सीडेंट, कि किसी संभावित दुर्घटना तो बचन दे लई ही असी हॉर्न नूं वर सकते हैं, अकोस्टिक वार्निंग जिहड़ी हैगी उहनूं वर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस करके तो साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन बी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल 20 नंबर, वट काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स शुड अ ट्रैवलर यूज़, कि किदां दे किस प्रकार दे सिक्योरिटी फीचर मतलब सुरक्षा दे फीचर वरतने चाहिए एक ट्रैवलर नूं, एक यात्रा करने वाले नूं, वैन द परसन इज़ बिटवीन 135 and 150 सेंटीमीटर टॉल, कि जदों एक परसन है जिहड़ा वह 135 तो लैके
150 सेंटीमीटर तक लंबा हैगा, उहदी लंबाई जिहड़ी इस दे विच हैगी है। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा ओनली द रिस्ट्रेंट सिस्टम, बी हैगा द अप्रूव्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम और सीट बैल्ट, ते सी हैगा ओनली द सीट बैल्ट। तो इहदा आंसर है जी साढ़े कोल ऑप्शन बी जी, के जदों कोई भी इस लंबाई दे विच होएगा 135 तो 150 दे विच तां उहनूं अप्रूव्ड मतलब कि प्रवानित रिस्ट्रेंट सिस्टम मतलब कि जिहड़ी सीट हुंदी है बच्चियां लई उह उहनूं बोलदे रिस्ट्रेंट सिस्टम, वह वरतनी चाहिए है, और जां फिर सीट बैल्ट के मतलब वह दोवें चीज़ों चो कोई भी वरत सकता हैगा वा जदों इस साइड दे विच होएगा। ठीक है जी, तो इस करके तो साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन बी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े कोल 21 नंबर, विच यूजर्स ऑफ द रोड, कि केड़े रोड नू वरतन वाले नू मस्ट ओबे दिस ट्रैफिक लाइट, कि मननी पएगी ये जी ट्रैफिक लाइट आप फोटो च देख रहे हैं इस नू। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा बाईसाइकल्स एंड मोपेड, बी हैगा पेडस्ट्रियन एंड बाईसाइकल, ते सी हैगा मोटरसाइकिल। तो इहदा आंसर है जी साढ़े कोल ऑप्शन ए जी, कि जिहड़ा इह साइन आ वो मनना पएगा बाईसाइकल वालिआं नू जिहड़े सैकल चला रहे उन्हां नू, एंड मोपेड्स मतलब जिहड़े मोपेड चला रहे उन्हां नू। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े कोल 22 नंबर, इफ यू आर स्टॉप्ड इनसाइड अ टनल, कि अगर तुसीं रुक गए हो एक टनल दे अंदर, इनसाइड अ टनल मतलब टनल दे अंदर, मोर दैन 2 मिनट्स, 2 मिनट तो ज़्यादा दे समय लई। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा यू मस्ट टर्न ऑन एमरजेंसी लाइट्स, बी हैगा यू मस्ट टर्न ऑफ द इंजन एंड लाइट्स, ते सी हैगा यू मस्ट टर्न ऑफ द इंजन एंड लीव द पोजिशन लाइट्स ऑन। तो इहदा आंसर है जी साढ़े कोल ऑप्शन सी जी, के यू मस्ट टर्न ऑफ द इंजन, कि तुहानू जिहड़ा इंजन है वह बंद कर देना चाहिए है, एंड लीव द पोजिशन लाइट्स ऑन, और तुहानू छड देनियां चाहिए पोजिशन लाइट है जिहड़ियां ऑन। ठीक है जी, ताकि तुहाडी गड्डी दी पोजिशन का पता लगता रहे, इस करके तुहानू पोजिशन लाइट्स ऑन रख देनियां चाहिए हैगियां। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े कोल 23 नंबर, वट डज द येलो जिगजैग लाइन, कि जे की मतलब जी पीले रंग की जिगजैग लाइन हैगी है जी आप रोड देख रोड के उपर लगी हुई देख रहे हैं फोटो दे विच, वो रोड मार्किंग है जी अलोंग द करब, अलोंग द करब मतलब जिहड़ा उहदा करब हैगा वा मतलब जितों रोड खत्म हो जाता वा उत्थे ऑफ द रोड परमिट, वो किस चीज़ की मनाही करती पी है रोड के उपर। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा पार्किंग, बी ए कहिंदा स्टॉपिंग एंड पार्किंग, ते सी हैगा स्टॉपिंग। तो इहदा आंसर है जी साढ़े कोल ऑप्शन ए जी, कि जिहड़ी ये जिगजैग लाइन हैगी आ यह सानू प्रोबिट करती है मनाही करती है पार्किंग दी। ठीक है जी, तो इस करके तो साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को 24 नंबर, इफ एन इंपॉर्टेंट टैक्निकल रिपेयर इज़ मेड, कि अगर कोई महत्वपूर्ण तकनीकी रिपेयर मतलब कि कोई भी तुसीं काम करवाया गड्डी दा, इज़ मेड टू अ व्हीकल, कि कीती गई एक व्हीकल दे विच, इज़ इट ओबलीगेटरी, कि की ये जरूरी हैगा अंडरगो एन इंस्पेक्शन, एक जांच तो गुजरना गड्डी नू। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा यस एट एन ITV, ITV मतलब ऑफिशियल व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन, बी हैगा इट इज़ नॉट नेसेसरी, सी हैगा यस इन एन ऑथोराइज्ड वर्कशॉप। तो इहदा आंसर है जी साढ़े कोल ऑप्शन ए जी, कि हाँ अगर उन्हें इस तरीके नाल कोई टेक्निकल चेंज करवाई है रिपेयरिंग करवाई है तो उन्हों मतलब जाना चाहिए इंस्पेक्शन वास्ते एक ITV के उपर, मतलब कि उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए उत्थे स्टेशन दे विच जाना चाहिए हैगा। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े कोल 25 नंबर, वट मस्ट अ ड्राइवर डू, कि एक ड्राइवर नू की करना चाहिए हैगा वैन एंटरिंग अ मोटरवे, कि अगर वह मोटरवे के उपर एंटर कर लगा है फ्रॉम अ स्लिप लेन, एक स्लिप लेन तो। ठीक है जी, ऑप्शन ए कहिंदा एक्सीलरेट,
टू द मोटरवे स्पीड लिमिट, बी है एक्सीलरेट एज अदर व्हीकल्स मस्ट गिव वे, सी है गिव वे टू व्हीकल्स ऑन द मोटरवे एंड एंटर एट एन एडिक्वेट स्पीड। तो यह आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन सी जी कि गिव वे मतलब कि राह देना चाहिए है टू व्हीकल्स ऑन द मोटरवे, जेडे व्हीकल है गड्डिया है मोटरवे के उपर, एंड एंटर और एंटर करना चाहिए है अंदर होना चाहिए वा एट एन एडिक्वेट स्पीड। एडिक्वेट स्पीड की होंगी है मतलब कि जी स्पीड सही होवे रोड के हिसाब न बाकी व्हीकलों की जी स्पीड हो उस हिसाब न सू मतलब उस हिसाब की स्पीड के नाल एंटर होना चाहिए है वा मोटरवे के उपर। ठीक है जी, तो इस करके इतने साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को 26 नंबर, दिस सिग्नलिंग रिकमेंड कि जोड़ा सिग्नल है असी फोटो देख रहे हैं रिकमेंड करता वा ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आर कि असी ड्राइविंग करिए 70 की स्पीड के उपर। ऑप्शन कहता एट ऑल टाइम, बी कहता ओनली वैन वैदर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल, तो सीगा ओनली वैन इट इज़ रेनिंग। तो यह आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन सी जी कि यह साइन दस रहा है कि सानू ओनली सिर्फ जदों मीह पै रहा हो तो सानू 70 स्पीड रखनी चाहिए है क्योंकि उपर देखो 70 लिखा हुआ है ना, तो थले जिहड़ा साइन है वह मीह दा दिखाया हुआ वा ता करके सानू सिर्फ जो मीह पै रहा उदों ही स्पीड रखने की लोड़ हैगी है। ठीक है जी, तो इस करके इतने साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को 27 नंबर, वैन आर यू नॉट परमिटिड कि तुहानू कदों आग्या नहीं हैगी टू यूज़ हाई बीम हैडलाइट्स, जिहड़ी हाई बीम लाइटा होंदिया वा तेज दूरी वाली लाइटा वो तुहानू वरतन दी आग्या कदों नहीं हैगी। ऑप्शन ए कहिंदा वैन दे मे प्रोड्यूस ग्लेयर फॉर अदर रोड यूजर, बी हैगा वैन द पोजिशन लाइट्स आर ऑन, तो सीगा वैन द लो बीम हैडलाइट्स आर ऑन। तो यह आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन ए जी कि जदों वैन जदों दे मे प्रोड्यूस जदों वो पैदा कर सकती हैं ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होंदा वा कि जेड़ी मतलब अखा च वजे कोई लाइट उन्हूं बोलते हैं ग्लेयर फॉर अदर रोड यूजर कि मतलब जदों वो बाकी दे जेड़े यूजर है रोड के वरतन लागे है रोड नूं उन्हें दी अखा च वजे तो उदों ये आग्या नहीं हैगी तो कि तुसीं अपनी हाई बीम हैडलाइट्स नूं वरतो। ठीक है जी, तो इस करके इत्थे साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को 28 नंबर, वैन कैन यू यूज़ अ मोबाइल फोन कि तुसीं अपना मोबाइल फोन कदों वरत सकते हो। ऑप्शन ए है वैन स्टॉप्ड एट अ रैड लाइट, बी है टू रीड एंड सेंड मैसेजेस, तो सी हैगा यूजिंग अ हैंड्स फ्री डिवाइस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यह आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन सी जी कि असी अपना मोबाइल फोन उदों ही वरत सकते हैं जदों असी यूजिंग अ हैंड फ्री डिवाइस मतलब कि असी हैंड फ्री डिवाइस वरत रहे होइए उहदे विच ब्लूटूथ भी हो सकता है जां फिर गड्डी दे विच स्पीकर लगा होवे जां फिर फोन का स्पीकर असी ऑन करके मतलब फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि थोड़े समय के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि थोड़े समय के लिए मतलब असी उन्हें वरतीए मोबाइल में। ठीक है जी, तो इस करके इतने साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को एक्सोनन हैडलाइट, एक्सोनन हैडलाइट्स कि अजक नवी टेक्नोलॉजी दाइट्स आई हैं वा ज़्यादा मतलब मॉडर्न लाइट्स है वधिया लाइटा है उन्होंने बारे गल कर रहा। ऑप्शन ए कहता इंप्रूव लाइटिंग ऑफ द रोड एंड रिड्यूस आई फिटिंग ऑफ द ड्राइवर, बी है इनक्रीज द आई फिटिंग ऑफ द ड्राइवर, सी है इलिमिनेट द रोड वर्स बट रिड्यूस ड्राइवर आई फिटिंग। तो यदा आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन ए जी कि जिहड़ियां लाइटा है वा इंप्रूव कर दियां वा वधिया कर दियां वा लाइटिंग ऑफ द रोड, रोड के उपर जी लाइटिंग है उन्होंने वधिया मतलब बनाउंदी है मतलब वधिया लाइटिंग होंदी इन्हां दी, एंड रिड्यूस आई फिटिंग और जी आई फिटिंग की होंगी है अखा की थकावट और उन्होंने मतलब घटाती हैगी है ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की अखा की थकावट में यह लाइटा घटादियाँ है मतलब अखा ज़्यादा नहीं थकदियाँ है ड्राइवर दियाँ। ठीक है जी, तो इस करके तो साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन ए जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, इज़ इट फॉरबिडन टू स्टॉप
कि की ये तुहानू मनाही हैगी रुकन दी और पार्क जां पार्क करन दी ऑन एन एलीवेशन चेंज, एक एलीवेशन चेंज दे उपर। एलीवेशन चेंज की हुंदा है जिथे के कितें चढ़ाई आ जाए कितें नवाण आ जाए, है ना, मतलब कितें उतराई आ जाए कितें चढ़ाई आ जाए, उसनू बोलते हैं एलीवेशन चेंज। ठीक है जी। ऑप्शन ए कहता स्टॉपिंग इज़ नॉट बट पार्किंग इज, बी है यस, तो सी है नो एक्सैप्ट वेयर देयर इज़ अ रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। तो यदा आंसर है जी साढ़े को ऑप्शन सी जी, कि नहीं सानू मनाही तो नहीं हैगी स्टॉप करने या पार्क करने की, एक्सैप्ट सवाए वेयर देयर इज़ रिड्यूस विजिबिलिटी, कि जिथे कितने विजिबिलिटी घट हो, मतलब ना सही तरीके दिख रहा हो उस थान पर, मतलब सानू मनाही हैगी, अदरवाइज सानू कोई मनाही नहीं हैगी। तो इस करके इतने साडा आंसर हो गया जी ऑप्शन सी जी। तो इस दे नाल ही अपना यह टैसट इतने खत्म होंदा है जी। तो वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो, होर नहीं तो थम्स अप दा ही साइन लगा दिओ तां कि पता लग सके कि हाँ वीडियोज़ वधिया बन रही हैं। तो मिलते हैं जी एक होर वीडियो दे विच एक होर टैस्ट दे नाल। तद तक सत श्री अकाल जी।